अटल टनल के उद्घाटन के बाद अब चंबा के पांगी के लिए चैनी पास सुरंग के निर्माण की मांग एक बार फिर से उठना शुरू हो गई है। इस मुद्दे को लेकर पांगी कल्याण संघ चंबा का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त चंबा से मिला और उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन पत्र भेजा गया, जिसमें देश और पांगी के लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकता देखते हुए इस सुरंग के निर्माण की मांग को उठाया गया। इस बारे जानकारी देते हुए पांगी कल्याण संघ के प्रधान भक्त बड़ोत्रा ने कहा कि पांगी के लोग काफी लंबे समय से इस सुरंग के निर्माण की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सुरंग सिर्फ पांगी के लोगों की ही नहीं बल्कि सेना और क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के शुरू होने के कार्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, अतः उनकी मांग है कि इस बारे सरकार जरूर विचार करे। मैं भगत बड़ोत्रा, अध्यक्ष पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई। तो आज हम ये डीसी साहब के थ्रू एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसके बारे में चैनी सुरंग के बारे में, जो कि हमारी चिरकालीन पिछले 50 सालों से मांग चली आ रही है। कई बार हम इसके बारे में सरकार को लिख चुके हैं। तो जैसे कि अभी आप सबको मालूम ही है कि अटल टनल का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो कि देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। तो हम चाहते हैं कि अटल टनल की तर्ज पर चैनी सुरंग का भी निर्माण किया जाए, जिसके बारे में भारत सरकार ने कई बार इस पर सर्वे भी किया हुआ है और हमारे पास इसकी रिपोर्ट्स भी है। तो जैसे कि आर्मी बेस कैंप पर पठानकोट से अगर लेह की दूरी बाय मनाली ली जाती है तो 802 किलोमीटर के करीब पड़ती है, जिसमें अगर यही दूरी अगर हम चैनी पास के थ्रू बाय पांगी लेह के लिए देखते हैं तो ये 502 किलोमीटर, यानी कि 300 किलोमीटर का सीधा सीधा इसमें डिफरेंस है। तो इतनी कम दूरी के रहते हुए मतलब हम चाहते हैं कि इस पे गौर किया जाए। एक दूसरा, पांगी घाटी में चनाब नदी सबसे बड़ा वाटर बेसिन है, जिसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से कम 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है वो प्रस्तावित हैं, लेकिन टनल ना होने की वजह से ये पिछले कई सालों से लंबित पड़ा हुआ है। तो उस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे अगर टनल का निर्माण किया जाता है तो कम से कम 1500 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू हो सकते हैं। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ पांगी के एक घाटी के 30,000 लोगों की जनता की मांग का मतलब नहीं है, ये देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा प्लस देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी महत्वपूर्ण टनल है, जिसका कि भारत सरकार को सोचना चाहिए।